हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसी किसी बोनाफाइड बिलीव में किसी आइटम पर हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता है लेकिन रेवेन्यू उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या हर केस के अंदर जहां पर असेसी ने एक हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम किया है और रेवेन्यू ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या हर केस में यह कहा जा सकता है कि असेसी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं और असेसी का केस सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी या 270 ए के अंदर पेनल्टी लगाए जाने के लिए एक अप्रोप्रिएट केस है? यही इशू मुंबई आईटीआईटी की डी बेंच के सामने एक केस महा ऑनलाइन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के केस में सामने आया और यह केस 113 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 47 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 जून 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी का जो काम है वो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, उसको मेंटेन करना है, ऑनलाइन पोर्टल को मेंटेन करना है गवर्नमेंट के लिए, जिसके द्वारा गवर्नमेंट सिटीजन्स को और वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस को पोर्टल सर्विसेज प्रोवाइड करती है महाराष्ट्र के अंदर। असेसी ने इस पोर्टल को डेवलप करने के लिए काफी सारी बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगाई हुई हैं और असेसी को यह बोनाफाइड बिलीव था कि यह बायोमेट्रिक डिवाइसेस एक तरीके से कंप्यूटर का ही हिस्सा है, इसीलिए असेसी ने उस पर 60% का डेप्रिसिएशन क्लेम किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि यह बायोमेट्रिक डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यह नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी है, इसलिए इस पर 60% का डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर खाली 15% का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने डेप्रिसिएशन को रिड्यूस किया और जो डेप्रिसिएशन कम रेट से लगना है उस ऑर्डर को सीआईटी अपील ने भी अपोल्ड रखा। जैसे ही सीआईटी अपील ने क्वांटम अपील के ऑर्डर को कंफर्म किया, असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करने की अवज में फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स का चार्ज लगाते हुए सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी भी लगाई। बाद में जब यह मैटर पेनल्टी का मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी इस पेनल्टी को कंफर्म किया। मैटर ट्रिब्यूनल में गया, जब यह मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो असेसी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसी का हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम करना है उस क्लेम को फॉल्स नहीं कहा जा सकता, उस क्लेम को बोगस नहीं कहा जा सकता, उस क्लेम को शाम नहीं कहा जा सकता। असेसी का यह कहना था कि असेसी ने अपने 60% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए सब रेलिवेंट मटेरियल जो है वो अवेलेबल कराए हैं और जो असेसी का क्लेम है बायोमेट्रिक डिवाइसेस पर 60% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम करने का वो वेरियस जजमेंट से सपोर्ट भी होता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो असेसी का क्लेम है हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के दायरे में आता है, क्योंकि असेसी का ये बोनाफाइड बिलीव था कि इस पर मुझे 60% का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। असेसी ने जानबूझ करके गलत रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसी का क्लेम है वो वेरियस जजमेंट्स के द्वारा सपोर्टिव है और प्रेजेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस केस के अंदर असेसी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं। इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने जो असेसी के ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई थी उसको डिलीट किया। इस केस से ये बात सामने आती है कि खाली यदि असेसी ने कोई गलत क्लेम कर लिया है तो उस गलत क्लेम को फॉल्स की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता। इनकरेक्ट क्लेम और फॉल्स क्लेम के अंदर फर्क होता है। जब तक असेसी के पार्ट पर यह प्रूव ना हो कि असेसी ने खुद जानबूझकर
इन एक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं तब तक एसएससी का केस पेनल्टी के दायरे में नहीं आता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है महा ऑनलाइन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, और ये केस 113 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 47 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 जून 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।